नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा। एंडली पख्तर जी का सवाल है, सर बोला जाता है एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए स्किन ग्लो के लिए, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, मैं 3-4 बार अभी तक रिपीट कर चुका हूँ आपके लिए। मैं फिर से बोलता हूँ, 3 से 4 लीटर पानी दिन में बिल्कुल पीना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। अब घरेलू नुस्खे, घर में लोग जो हैं वो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, लोग हमेशा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि स्किन ग्लो के लिए क्या करें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी आते हैं कि बेसन लगाए या फिर कोई और भी चीज़ लगाए, तो उनमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है कि उसमें एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, तो एलोवेरा कैसे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है? एलोवेरा के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत मतलब फ़ायदेमंद प्लांट है ये, तो स्किन के लिए एलोवेरा कैसे फ़ायदेमंद है और इसका कैसे यूज़ किया जाए? एलोवेरा बेसिकली एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी जो कि आप प्लांट से निकालते हैं, एलोवेरा की क्रीम्स भी आती है, तो एलोवेरा बेसिकली एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो कि आपको रिएक्शंस में भी बचने में मदद करता है और रिएक्शंस आने पे भी कई लोग उसको, कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एलोवेरा के साथ और भी कॉम्बिनेशंस होता है, एक दो और भी उसमें दवाएं मिली होती हैं जिनके कारण स्किन रिएक्शन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप जनरल भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा इंडीड बहुत अच्छा, मतलब एक दवा के रूप में या डेली क्रीम्स के भी यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। किन्हीं का स्किन में कभी कभी देखा गया है कि एलोवेरा लगाने के कारण, कभी कभी बहुत रेयर केसेस है, तो अलग थोड़ा सा उनको कॉन्टैक्ट इरिटेंट होता है, कॉन्टैक्ट एलर्जिक आता है, तो उस केस में हम लोग मना करते हैं। बाकी जनरल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा, लेकिन उसका बहुत सारा बाहर में भी फेक ब्रांड्स है, कोई भी एलोवेरा लेके नहीं लगाना चाहिए, है ना। प्लांट वाला है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके प्रॉब्लम आ रही है तब आपको रोकना होगा। एलोवेरा इन जनरल आप यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में एक और समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है स्किन टैनिंग की, लोग बोलते हैं धूप में निकलने से उनका चेहरा या फिर उनका शरीर के कुछ पार्ट्स जो है वो काले हो गए हैं, तो स्किन टैनिंग असल में क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? स्किन टैनिंग बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सन एक्सपोजर हो सकता है। कई लोग कभी कभी बीच पे जाते हैं, जब आते हैं तो टैन होके आते हैं, थोड़ा सा टैन हो जाते हैं क्योंकि कांस्टेंट सन एक्सपोजर रहता है, तो वो एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम है। स्किन टैनिंग से बचने के लिए हमेशा गर्मियों में मैंने कहा सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, ख़ासकर आप कहीं घूमने जा रहे हैं बीच साइड में, तो जो जो खुला भाग है उस पर सनस्क्रीन का यूज़ करके ही आप धूप का सेवन करें। अगर आप कोई बाहर जा रहे हैं, बीच साइड जा रहे हैं गर्मियों में, तो स्किन टैनिंग से बचने के लिए हमेशा सन प्रोटेक्शन लेना चाहिए, सनस्क्रीन पहनना लगाना चाहिए, ठीक है। और ये एक टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है जो कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। और क्या स्किन टैनिंग हटाने का बस क्या है कि डॉक्टर्स ही इसका इलाज कर सकते हैं, इसके नेचुरल भी अगर कोई उपाय हैं, घरेलू नुस्खे जिसको कहते हैं, तो वो भी अगर कुछ है तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, स्किन टैनिंग एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम होती है, वो एक कुछ दिन तक सन के कारण, और जो रेगुलर अगर फील्ड वर्क में रहते हैं तो उनको टैनिंग थोड़ा सा लंबा रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सन प्रोटेक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा सनस्क्रीन के लिए, सनस्क्रीन के रूप में। बाकी टैनिंग हटाने के लिए अलग से बहुत सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स आते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे टैनिंग हटाने के लिए एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें घरेलू नुस्खा है नहीं कि आप टैनिंग उससे हटा सकते हैं।